हेलो बच्चा लोग, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका बायो टीचर विजय सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपने एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं बायोलॉजी के नंबर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए बच्चों, इस इमेज से अपन समझ जाते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपन नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप देखिए और दिमाग लगाइए अपना कि ये नर्वस सिस्टम है। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं, उन सब में नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन अपन इस चैप्टर के अंदर एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स को भी डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो ये बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर नर्वस सिस्टम के साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है हॉर्मोनल सिस्टम। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, उनके साथ नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हॉर्मोनल सिस्टम होता है। तो इसी बात को बच्चों ध्यान रखना, और अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उससे पहले विजय सर का फेवरेट काम ब्लू कलर की पेन सेलेक्ट करना। तो बच्चों अपन यहाँ पर ब्लू कलर का पेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ब्लू इज माई फेवरेट कलर, लेट्स सिलेक्ट द ब्लू कलर फर्स्ट। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड, ये जो वर्ड है बच्चों इस पर ध्यान देना, रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों ही रेस्पॉन्ड करते हैं। तो आप लिख दीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, देखिए बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है? जो भी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो रहा है उसको अपन स्टिमुलाई बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको आगे इमेज से समझाऊंगा बच्चों। अब जैसे समझिए इस बात को, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते 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 पेन ठकाक से मेरे हाथ में लग गई, ओए लग गई लग गई लग गई। आपको बात समझ में? जैसे मैंने पेन मारा, मुझे बहुत तेज लगी और मैंने हाथ को हटाया। आपको बात समझ में आ रही? जैसे मैंने पेन मारा, मेरे हाथ में लगी, मैंने हाथ को हटाया। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस था वो था पेन, और मैंने रेस्पॉन्स क्या किया? हाथ को हटा के। तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। जो भी चेंज हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, सबसे कॉमन एग्जांपल है बच्चों चलते चलते ऐसे कोहनी पर लग जाना। तो अपन चलते चलते कोहनी पर लगते, तो अपन हटाक से कोहनी हटाते हैं। तो चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हुआ? पेन। और अपन ने कैसे रेस्पॉन्स करा? कोहनी को हटा के। तो अपन हमेशा स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करते हैं। अब स्टिमुलस पेन का भी हो सकता है, गर्म प्रेस पे हाथ लगा, हाथ हटाया, तो गर्म प्रेस में जो हीट पेन है, हीट है, वो क्या हो गई? स्टिमुलस हो गया। अचानक से रोशनी में, धूप में, तो आंखें ऐसे चमचमा गई। तो यहाँ पे आपका स्टिमुलस क्या हुआ बच्चों? ब्राइट सनलाइट हुई। और रेस्पॉन्स क्या हुआ? अपन ने आंखें बंद कर लिया, अपन ने ऐसे मुंह फेर लिया। आपको बात समझ में आ रही है? रेस्पॉन्स और स्टिमुलस को समझना बहुत ही जरूरी यहाँ पर है। अब डेफिनेशन स्टार लगा दें। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस पेन का भी हो सकता है, हीट का भी हो सकता है, ब्राइट सनलाइट का भी हो सकता है। टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज नोन एज स्टिमुलाई। ठीक है, अब बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं या रिएक्ट कैसे करते हैं? हल्का फुल्का बॉडी में मूवमेंट शो करके। अब बच्चों प्लांट्स तो क्या करते हैं? एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रहते हैं, तो इनमें क्या होगा? बॉडी मूवमेंट होगा, लोकोमोशन नहीं होगा। प्लांट कैसे शो करते हैं मूवमेंट को? रेस्पॉन्स को ग्रो करके। ध्यान से समझना, प्लांट जो अपना जो भी स्टिमुलस हुआ, चाहे वो लाइट का स्टिमुलस हुआ, चाहे वो टच का हुआ, चाहे वो वाटर का स्टिमुलस हुआ, प्लांट कैसे रेस्पॉन्स शो करते? ग्रोथ की फॉर्म में। ये बात आप दिमाग में गिठान बांध के रख लेना। प्लांट जो अपना रेस्पॉन्स शो करते ग्रोथ की फॉर्म में शो करते हैं, और जो रेस्पॉन्स होता है बच्चों, ये होता है एक स्लो रेस्पॉन्स, कि ग्रोथ होने में टाइम लगता है। सो कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? हॉर्मोन्स। प्लांट के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं बच्चों, उसको अपन फाइटो हॉर्मोन्स बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे फाइटो यानी प्लांट्स, हॉर्मोन्स आपको पता है। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन भी मैं आपको बताता हूँ। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, तो वर्किंग टुगेदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमैटिक मैनर, ये भी काम की चीज है, सिस्टमैटिक मैनर, so as to produce proper response to a stimulus is known as coordination। मतलब मिलजुल के काम करना, जैसे अपन घर में था ना, संडे होता है,
तो मम्मी बोलती है बेटा फटाफट से तू कपड़े सुखा के आ जा, मम्मी ने मशीन लगा दी, बच्चा जो है कपड़े सुखा के आ गया, गुड़िया जो है चाय बना रही, पापा क्या कर रहे हैं अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन बिल पेमेंट कर रहे हैं। तो घर के सारे सदस्यों ने मिलजुल के काम करा और जो आउटकम आया वो बहुत ही पॉजिटिव निकल के आया। तो वही काम अपनी बॉडी भी करती है, अपने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ऐसे मिलजुल के काम करते हैं जिसे जो रेस्पॉन्स निकल के आता है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स निकल के आता है जैसा अपन चाहते हैं। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। चाहो तो डेफिनेशन आप देख सकते हो, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स। जो रेस्पॉन्स निकल के आता है वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का बराबर तरीके से काम करना बहुत ही जरूरी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर नर्वस प्लस एंडोक्राइन सिस्टम मिलके काम करते हैं कोऑर्डिनेशन का, लेकिन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं है। तो प्लांट्स में बच्चों क्या होता है, प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन वाला सिस्टम वहां पर वर्कआउट करता है। चलिए अपन अब आगे बात करें, देखिए इसको गौर से देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, ये एक टाइम में मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्टून हुआ करता था, लेकिन अब बच्चों समझ चेंज हो गया है, टाइम चेंज हो गया है प्यारे बच्चों, अब ये कार्टून देखने नहीं मिलते। देखिए आप ये जो डॉगी है, ये जो कुत्ता है बुलडॉग जो है, ये बहुत भयानक तरीके से इसके पीछे भाग रहा है, इसके पिछवाड़े पे काटने की बहुत पुरजोर कोशिश कर रहा है और ये अपने पिछवाड़े को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है प्यारे बच्चों। कीपिंग दी जोक्स अपार्ट, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो डॉग है फुल फोर्स से फुल पैशन से इसके पीछे भाग रहा है और ये अपनी जान बचा रही है। तो यहाँ पे स्ट्यूमलेस क्या हुआ चिंटू, जल्दी बता स्ट्यूमलेस क्या हुआ। चिंटू ने विजय सर के कान में बोला, सर कुत्ते का डर जो है यहाँ पर स्ट्यूमलेस है। रेस्पॉन्स क्या आ रहा है चिंटू बेटा कान में बता। चिंटू ने मेरे कान में आके बोला, विजय सर रेस्पॉन्स में बिल्ली अपने आप को बचा के भाग रही है। तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है रेस्पॉन्स और स्ट्यूमलेस का मेरे प्यारे बच्चों। जब भी दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाए स्ट्यूमलेस रेस्पॉन्स में क्या लिखूं, तो इस इमेज को दिमाग में याद रख लेना प्यारे बच्चों, आपकी डेफिनेशन अपने आप दिल से निकल के आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन, अरे अरे बंदूक ही बंदूक, रोको इसको नहीं रुकेगी, ठीक है। तो व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, रेस्पॉन्स टू स्ट्यूमलेस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने स्ट्यूमुलस को रेस्पॉन्ड करते हैं, अपन ने पहले भी डिस्कस करा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि जो चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। अब देखिए चुई मुई है, क्या है चुई मुई, ठीक है, इसको अपन प्रॉपर मिमोसा प्यूडिका भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ इधर, इट्स ऑल्सो नोन एज मिमोसा प्यूडिका, इसको बच्चों लाजवंती भी बोला जाता है। अब क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं, आप चाहो तो सारे नाम लिख सकते हो। अब अगर अपन देखें तो जैसे ही, अरे चिंटू कहाँ गए बेटा जल्दी आ जा चिंटू, हाँ ये देखो चिंटू ने उंगली लगाई, तो जैसे ही चिंटू ने इसकी उंगली लगाई तो पत्तियां अपने आप बंद हो गई। तो ये क्या है बच्चों, चेंज क्या हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, टच का। तो ये जो लीव्स थी मिमोसा प्यूडिका की, जिसे आप छुई में भी बोलते हो लाजवंत भी बोलते हो टच मी नॉट भी बोलते हो इसको, तो जैसे चिंटू ने इसको टच करा तो पत्तियां अपने आप बंद होने लग गई, तो ये पत्तियों का रेस्पॉन्स था। तो अब स्ट्यूमुलस क्या हुआ, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हुआ बच्चों, टच, और रेस्पॉन्स क्या आया ऐसे फोल्डिंग ऑफ लीव्स, ड्रोपिंग डाउन ऑफ लीव्स। तो ये यहाँ पे पत्तियों ने क्या करा, रेस्पॉन्स शो करा। बट यहाँ पर बच्चों रेस्पॉन्स जो था वो काफ़ी फास्ट था, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द रेस्पॉन्स जो प्लांट में आते हैं वो मोस्टली स्लो ही होते हैं और ग्रोथ बेस्ड होते हैं, बट कुछ एक केसेस में जो रेस्पॉन्स फास्ट आते हैं वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये बहुत रेयर होते हैं, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। लेकिन इतना बात आप ध्यान में रखिए कि जो मोस्ट ऑफ द बच्चों जो मूवमेंट आता है प्लांट्स के अंदर वो ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट आता है, दूसरी बात जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्लो होता है। ऐसे मूवमेंट जो कि बहुत फास्ट हो रहे हैं उनमें ग्रोथ का जो फैक्टर होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, और जो ऐसा मूवमेंट होता है वो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, बहुत ही कम इस तरह के मूवमेंट यहाँ पर होते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आते हैं, अगर अपनी स्लाइड को देखें तो द प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, तो इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो, जो प्लांट्स होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। अब नर्वस सिस्टम नहीं है और सेंस ऑर्गन्स भी नहीं है, जैसे अपने पास सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, आईज ईयर नोज टंग, ये सब अपने क्या सेंस ऑर्गन है, देखिए आईज ईयर नोज एक्सेट्रा, बट इनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। कभी देखा पेड़ की आंखें हैं,
कभी देखा पेड़ जो है आपसे बातें कर रहा है, कई लोग बातें करते हैं उनका अलग केस, पेड़ बातें नहीं करते, लोग बातें करते हैं, बट पेड़ों के पास सेंस ऑर्गन नहीं है, ना ही पेड़ बात कर सकते हैं, ना ही पेड़ सुन सकते हैं, ना ही कुछ सूंघ सकते हैं, बट फिर भी वो अपने स्टिमुलस का जो है रेस्पॉन्स करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू एवरी स्टिमुलाई या वेरियस स्टिमुलाई बाय ग्रोथ। तो यहाँ पे दो शब्द जो हैं, वर्ड्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट, एक तो है स्लोली और दूसरा है ग्रोइंग। बच्चों अपन सभी को पता है जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, तो जब ग्रोथ के बेसिस पे जब प्लांट्स रिस्पॉन्स शो करता है तो वो स्लो ही आएगा, ऐसा तो नहीं कि फट फूल उग गया। फूल उगने में टाइम लगता है, पहले बड निकलेगी, वो डेवलप होगी, फिर सेपल खुलेगी, पेटल खुलेगी, फूल खिलेगा, ठीक है, तो टाइम लगता है ना बच्चों। तो जिन जिस प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ बेस्ड होता है, वो स्लो ही आपको देखने को मिलेगा। कौन इनको रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है ग्रोथ को या मूवमेंट को? फाइटो हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स को बच्चों बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, और वर्ड फाइटो का मतलब होता है यहाँ पर प्लांट्स, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। आ रही बात समझ में? किसी भी बच्चे को किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, फाइटो का मतलब प्लांट्स। प्लांट्स ओनली यूज हॉर्मोन्स फॉर द कोऑर्डिनेशन। तो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन क्या होता है, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन ए सिस्टमेटिक वे टू प्रोड्यूस द मोस्ट रिक्वायर्ड डिजायर्ड रेस्पॉन्स इज नोन एज रेस्पॉन्स, या फिर इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स इस तरीके से मिलजुल के काम करते हैं कि बढ़िया सा ही आउटपुट निकल के आता है जो कि डिजायर, तो उसको बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा दो चीज़ें अपन को समझ में आ गई, पहली बात तो जो एनिमल्स होते हैं उसमें नर्वस सिस्टम भी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, और जो एनिमल्स जो रेस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो फटाफट आता है, क्विक आता है। लेकिन यहाँ पे प्लांट की बात करें तो प्लांट के पास बच्चों नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम होता है, और प्लांट जो मूवमेंट शो करते हैं आमतौर पे, जनरल स्टेटमेंट में कह रहा हूँ, वो ग्रोथ बेस्ड होते हैं, और उनमें जो रेस्पॉन्स आता है स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो बहुत ही धीरे धीरे आता है। कुछ केसेस में क्विक रेस्पॉन्स आता है, जैसे अपन इसमें देखा था रेस्पॉन्स बहुत क्विक था छुई मुई के अंदर या फिर टच मी नॉट प्लांट में, ठीक है। तो ऐसा हमेशा देखने को नहीं मिलता, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, ठीक है, इसको भी अपन आके डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रेस्पॉन्स आता है बच्चों वो स्लो ही आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स। अब बच्चों हॉर्मोन्स क्या होते हैं बेसिकली, मैं आपको बता दूं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, सीक्रेटेड बाय। अब बच्चों हॉर्मोन्स क्या होते हैं बेसिकली, हॉर्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर ग्लैंड निकालते हैं, सीक्रेट करते हैं, जो कि टारगेट तक जाके वहाँ पे चेंजेस करते हैं, जो चेंजेस डिजायर्ड होते हैं। अब इस बात को समझना प्यारे बच्चों कि अब जैसे मैं बात करूँ, एड्रीनल ग्लैंड हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, थायरॉयड ग्लैंड हो गए, सब क्या करते हैं, हॉर्मोन्स सीक्रेट करते हैं, और वही हॉर्मोन्स अपनी बॉडी में जो टारगेट ऑर्गन होता है उस टारगेट ऑर्गन के पास जाके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, रिक्वायर्ड चेंजेस को लेकर के आते हैं। तो वही चीज़ प्लांट में होती है, प्लांट में भी क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तब जो भी चेंज होगा प्यारे बच्चों वो होगा हॉर्मोन्स की वजह से, प्लांट के हॉर्मोन्स को बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। यहाँ पे जो वर्ड फाइटो है इसका मतलब होता है प्लांट, क्लियर है? अब बच्चों प्लांट के जो हॉर्मोन्स हैं उनको बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पहला तो ध्यान से सुनना, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर। तो जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं ग्रोथ को, पॉजिटिविटी की ओर लेके जाते हैं। जो ग्रोथ इनहिबिटर है वो नेगेटिविटी की ओर लेके, तो ग्रोथ को कम करते हैं, नेगेटिविटी कॉज करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में तीन होंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड होंगे ग्रोथ इनहिबिटर। तो जो तीन हो गए ये हो गए ग्रोथ प्रमोटर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अपन बोलते हैं एबीसी, तो यहाँ पे बोल दो एजीसी, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबीसी बोलते हैं, यहाँ पे एजीसी बोल देना, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अपन कहीं बोलो गलत, अरे आई आई गलत हो गया, आई आई अपन बोलते हैं, तो आई आई से यहाँ पे ए ई कर दो, ए से एब्सिसिक एसिड, ई से इथाइलिन। इथाइलिन की खास बात यह है कि ये गैसियस
हार्मोन है, इट्स अ गैसियस हार्मोन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चों, जो प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली समझे हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के ग्लैंड से निकलते हैं और टारगेट ऑर्गन तक जाके वहाँ पे रिक्वायर्ड आउटपुट या रिक्वायर्ड चेंजेस क्रिएट करते हैं। ये मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं और डिजायर्ड चेंजेस लेके आते हैं, जैसे रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। प्लांट के हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स अपन बोलते हैं। जो भी प्लांट में ग्रोथ होती है या फिर जो भी प्लांट में मूवमेंट होता है स्टिमुलाई के अगेंस्ट, वो फाइटो हार्मोन्स की ही मदद से किया जाता है। तो फाइटो हार्मोन्स को बच्चों मोटी मोटी दो कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रोथ प्रमोटर्स जो कि ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स जो कि रोकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स में एजीसी, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर में आई, ए से एब्सिसिक एसिड, ई से इथाइलिन। इथाइलिन का ध्यान रखना बच्चों, जो इथाइलिन है वो क्या है, गैसियस हार्मोन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन ना। फाइटो हार्मोन्स तो बेसिकली, अरे हार्मोन के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों, ये स्लाइड जो है ये विराट कोहली स्लाइड है, तो लिख दीजिए वी के, इट्स अ विराट कोहली स्लाइड। तो इसकी जो आप पूरा पूरा एज इट इज छाप देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक विराट कोहली स्लाइड है बच्चों, तो उसके ऊपर वी के लिख देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो सबसे पहले अपन ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करेंगे, इसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ऑक्सिन क्या करता है, इट प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। सेल एनलार्जमेंट का मतलब होता है सेल का बड़ा होना, सेल का ग्रो करना, और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल जो है उसने एक स्पेसिफिक फंक्शन को, स्पेसिफिक शेप को अचीव कर लिया है और वो उसी काम के लिए बन गया है। दूसरी बात, ऑक्सिन ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स, ये जो वर्ड है इसको हाईलाइट कर लो, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे बट फिर भी आप समझ लीजिए होता क्या है। फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट, लाइट के अगेंस्ट अपना लाइट, फोटोट्रॉपिक में जो लाइट होता है वो होता है स्टिमुलस। इतना ध्यान रख लीजिए, जो स्टिमुलस होता है वो होता है लाइट, और जियोट्रॉपिक में जो स्टिमुलस होता है वो होता है ग्रेविटी। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि स्टिमुलस यहाँ पर क्या होगा, फोटोट्रॉपिक में। फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्सेज होते हैं, फोटोट्रॉपिक होता है लाइट के अगेंस्ट रेस्पॉन्स, जियोट्रॉपिक होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट रेस्पॉन्स। तो ये भी कौन लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है। चलिए जिब्रेलिन की यहाँ पर बात करते हैं, प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी का भाई है, उसी का दोस्त है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये वर्ड को आपको पता होना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन यहाँ पर ये लेके आता है, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सेकंड, हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो पहले डॉर्मेंसी समझिए होता क्या है, डॉर्मेंसी का मतलब होता है नो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट रुक चुका है, बंद हो चुका है, उसको बोलते हैं बच्चों डॉर्मेंसी। बीज जो होते हैं, बीज राजमा हो गया, चना हो गया, छोला हो गया, ये सब क्या सीड्स हैं, जब तक ये आपके डिब्बी में बंद है ये वैसे के वैसे ही पड़ रहे हैं, इनको बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेज, यानी कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बंद है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन है वो सब रुकी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, मतलब जो भी फ्रूट, जो भी चीज़ें डॉर्मेंट है, चाहे वो सीड हो चाहे वो कली हो, कली को बड बोले डॉर्मेंसी ब्रेक करता है। अगर कली की बड की डॉर्मेंसी ब्रेक हुई तो वो लीफ भी बन सकती है, वो फ्लावर भी बन सकती है, ब्रांच भी बन सकती है, डिपेंड करता है किस लोकेशन पर वो सिचुएटेड है। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लमसम सिमिलर से इनमें जो है बच्चों फीचर्स हैं, एंड स्टिमुलेट इलोंगेशन ऑफ शूट्स। तो इसको स्टार लगा दीजिए, शूट के इलोंगेशन में प्यारे बच्चों ये मदद करता है, इलोंगेशन ऑफ शूट। तो एक बार अपन इसको रिपीट करते हैं, ऑक्सिन क्या करता है, इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल एनलार्जमेंट का मतलब होता है सेल का साइज बड़ा होना, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल ने एक शेप अचीव कर ली, एक फंक्शन अचीव कर लिया, वो उसी को परफॉर्म करता रहेगा। ऑक्सिन फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बच्चों, और रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स। तो फोटोट्रॉपिज्म में देखिए बच्चों, जो स्ट्यूमुलस होता है वो लाइट का होता है, जियोट्रॉपिज्म में जो स्ट्यूमुलस होता है वो ग्रेविटी का होता है। चलिए जिब्रेलिन की बात करते हैं, जो जिब्रेलिन होता है, बोलने में जिब 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 जिब्रेलिन अजीब से ही लगता है कुछ,
जिब्रेलिन होता है प्यारे बच्चों, तो जिब्रेलिन क्या करता है, ये भी सेल इलोंगेशन और सेल डिफ्रेंसिएशन करता है, लेकिन किसकी मदद से, ऑक्सिन की मदद से। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, मैंने आपको डोरमेंसी बताया था प्यारे बच्चों, डोरमेंसी क्या होती है कि भाई मेटाबॉलिज्म जीरो हो गया, अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटी चल रही है वो ना के बराबर है, तो उसको भी कौन तोड़ता है, जिब्रेलिन तोड़ता है। तो एक तो आपके सीड्स होते हैं और दूसरा बड्स होती हैं, तो बड्स डोरमेंट होती हैं, फिर तो जिब्रेलिन एक्शन में आएगा, डोरमेंसी ब्रेक करेगा, फिर बड फ्लावर भी बन सकती है, लीफ भी बन सकती है, स्टेम भी बन सकती है, डिपेंड करता है कहाँ पर वो सिचुएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, साइटोकाइनेसिस, सी से साइटोकाइनेसिस, सी से सेल डिवीजन, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है, इट प्रमोट सेल डिवीजन। अच्छा अगर हम पिछली स्लाइड पे आते हैं तो इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है इलोंगेशन ऑफ शूट्स। देखिए मैं आपको इनके जो कोर फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सिन का जो कोर फंक्शन है वो है इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंसिएशन। तो कोर फंक्शन को अपन रेड कलर से हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया है और यहाँ पर भी स्टार लगा दिया है, तो कोर फंक्शन को मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। इसका कोर फंक्शन क्या हो गया, इलोंगेशन ऑफ शूट, ये इनके मेन फंक्शन थे आपको पता चाहिए। ऑक्सीजन की बात आई तो सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंसिएशन, जिब्रेलिन की बात है तो इलोंगेशन ऑफ शूट्स। आगे बढ़ते हैं, अगेन मैं अपना फेवरेट ब्लू कलर को सिलेक्ट करूंगा बच्चों, प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट, सी से साइटोकाइनेसिस, सी से सेल डिवीजन, डिले एजिंग इन लीव्स, जवान बनाए रखता है, बोरो प्लस की क्रीम जवान बनाए रखती है, तो ये भी बोरो प्लस की क्रीम है प्यारे बच्चों, लीव्स की एजिंग को डिले करते, लीव्स की त्वचा को जवान बनाए रखता है, ठीक है। हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स, मैंने आपको बताया था आमतौर पर सीड और बड ही डोरमेंट होते हैं, तो अगर अपन पीछे जाके देखेंगे तो जो जिब्रेलिन था वो भी ब्रेकिंग डोरमेंसी कर रहा था, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था, वैसे जो साइटोकैनिन है वो भी डोरमेंसी को ब्रेक कर रही, किसकी, सीड्स और बड्स की। यहाँ पर तो बच्चों अभी तक अपन ने जो पढ़ा सा पॉजिटिव था, मीठा मीठा था, ग्रोथ को प्रमोट करने वाला था, इसलिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबीसी की जगह एजीसी कर दो, ए से ऑक्सिन, जी से जिब्रेलिन, सी से साइटोकाइन, तो ये तीनों क्या हो गए, ग्रोथ प्रमोटर्स। अब जो आएंगे इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, वो क्या होंगे, ग्रोथ इनहिबिटर। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, इसको स्टार लगा देना रेड कलर से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इनका कोर फंक्शन है उसको स्टार लगा दीजिए रेड कलर से। इथाइलिन का जो ये एक गैसियस हार्मोन है और इनको फ्रूट को पकाने के काम में लिया जाता है, ये इसका कोर फीचर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है, और ये क्या करता है, इसको वाइडली यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए, इथाइलिन गैस का इस्तेमाल होता है, और ये क्या करती है, लीफ और फ्रूट के एब्सिशन को स्टिमुलेट करती है। एब्सिशन का मतलब होता है कमजोर पड़ जाना, पीला पड़ जाना, टूट के गिर जाना, उसको बोलते हैं एब्सिशन होना, वही बुढ़ापा के गिर जाना, वैसे लीफ पत्तियां क्या होती है, मुरझा के गिर जाए तो उसको बोलते हैं एब्सिशन होना। तो मैंने आपको बताया था ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, तो जो भी ग्रोथ हो रही होगी, ये तो जमाएं, ये तो जमा बनाए रखने का काम कर रहा है, ये बुढ़ापा लेके आ रहा है, इसने क्या बोला अपने ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो ये क्या करते हैं, लीफ और फ्रूट के एब्सिशन को स्टिमुलेट करते हैं, यानी वो मुरझा के गिर जाते हैं, टूट के गिर जाते, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एब्सिशन। आगे बढ़ते हैं फाइटो हार्मोन में, वो है एब्सिसिक एसिड, तो इसको अपन बच्चों स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, मैं तो लिख देता हूँ इधर, अपन लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। अभी जो एब्सिसिक एसिड है इसको प्यारे बच्चों अपन स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ये प्राइमरीली इसका मेन फंक्शन है ग्रोथ इनहिबिटर। तो यहाँ पे बच्चों अपन रेड जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो मेन फीचर क्वालिटी है इसकी उसको अपन हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर रेड से। ये मेन ग्रोथ इनहिबिटर होता है प्यारे बच्चों, क्या, एब्सिसिक एसिड। चलिए नाउ अगेन टू ब्लू पेन, माय फेवरेट, प्रमोट डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स, मैंने आपको बताया था नेगेटिविटी लेके आता है, तो जहाँ पे जो ग्रोथ प्रमोटर्स थे वो डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे थे, इसमें जिब्रेलिन और साइटोकैनिन की अपन ने बात की थी, यहाँ पे क्या, डोरमेंसी को ये इंड्यूस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट्स डोरमेंसी, प्रमोट डोरमेंसी मतलब है कि डोरमेंसी लेके आ रहे हैं, और डोरमेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, जो अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रही है, उनका दब जाना, रुक जाना, बंद हो जाना, उसको बोलते हैं डोरमेंट हो जाना। ना प्रमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, जिसको एब्सिशन बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, विल्टिंग यानी मुरझा जाना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विल्टिंग यानी मुरझाना, मर जावा, मिट जावा, मर जावा, तो वैसे मुरझाना,
विल्टिंग का मतलब होता है, एक बहुत अच्छा सॉन्ग था, मैं आपको ऐसे बीच में फनी एक बात बताता हूँ प्यारे बच्चों। मेरा मैंने कहीं पढ़ा था कि एक जो इंजीनियर था, ठीक है, वो इंटरव्यू देने गया, बोला आपको जावा की कौन सी नॉलेज आती है सर, मर जावा, मिट जावा, मर जावा। तो वैसे ही यहाँ पे मर जान मुरझाना आ गया बच्चों। तो विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, इसको बोलते हैं एब्सिशन होना, मतलब पत्तियों का मुरझा के टूट के गिर जाने को बोलते हैं एब्सिशन। तो ये जो होता है एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये एब्सिशन को प्रमोट करता है, विल्टिंग यानी मुरझाना, फॉलिंग आप सभी को पता है। तो एक बार बच्चों फिर अपन इसको रिपीट करते हैं बच्चों, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को, इथाइलिन एक गैसेस हार्मोन है, इसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है फ्रूट्स को पकाने के लिए आर्टिफिशियली, ये एक आर्टिफिशियल तरीका है, गलत तरीका है, आमतौर पर फ्रूट्स को नेचुरल ही खाना चाहिए बच्चों। मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि अभी जो अपन जो भी फ्रूट्स खाते हैं वो सब आर्टिफिशियल राइप्ड होते हैं, उन सब केमिकल्स को यूज़ करके जिन पे गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, आप समझ रहे हो बच्चों। आज जो बच्चे कोटा रहते हैं या फिर जो बच्चे कहीं पे भी रह रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं उनको बता दूँ कि आपके घर में जो भी फल जो भी सब्जियाँ जो आप मार्केट से लेके आते हो वो सब जहर से कम नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि जिन केमिकल का उपयोग किया गया है उन्हें पकाने के लिए, उन्हें मीठा करने के लिए या फिर पेड़ों को बड़ा करने के लिए, उन फलों और सब्जियों को उगाने के लिए, वो सब जहर है प्यारे बच्चों, और वही अपन खा रहे हैं, ठीक है ना। इथाइलिन क्या करता है, लीफ एंड फ्रूट को स्टिमुलेट करता है, एब्सिशन का मतलब होता है विल्टिंग एंड फॉलिंग, मुरझा के गिर जाना। नाउ कमिंग टू एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ये मेन ग्रोथ इनिबिटर है, ये करता है डोरमेंसी को प्रमोट करता है, मेटाबॉलिज्म को रोकता है, प्रमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, इसको बोलते हैं अपन एब्सिशन। तो चलिए बच्चों ये जो हार्मोन वाला टॉपिक है जो अपन ने कवर करा, इसको आप 5 स्टार लगा दें, मैं तो कह रहा हूँ 7 स्टार ही लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है बच्चों वो बन जाता है। तो दिस इज अ 7 स्टार क्वेश्चन, इसको मैंने यहाँ पे वीके भी लगा दिया था, तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, प्लांट मूवमेंट, वाह बहुत मेहनत लगती है बच्चों ऐसी इमेजेस को ढूंढने में। तो जैसे बच्चों के लाइक्स और कमेंट्स बढ़ते जाएंगे, विजय सर का मोटिवेशन बढ़ता जाएगा और ऐसी और इनोवेशन इमेजेस जो है विजय सर लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए, लाइक्स कीजिए, ठीक है, ताकि जो हम फैकल्टीज उनका बच्चों आपका जो लाइक और कमेंट्स होते हैं पॉजिटिव लाइक्स और पॉजिटिव कमेंट्स, वही टीचर को मोटिवेट करते हैं और वही मोटिवेशन एक अच्छा सा वर्क जो है वो लेकर के आता है। तो मेरी बच्चों से यही प्रार्थना है और बच्चों से यही अपेक्षा है कि जो मेरे प्यारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं या फिर किसी और भी टीचर को देख रहे हैं, आप हमेशा उन्हें मोटिवेट किया कीजिए लाइक्स के साथ और पॉजिटिव कमेंट्स के साथ, क्योंकि आपको नहीं पता वो कितनी मेहनत करते हैं सब चीज़ों को तैयार करने के लिए। तो बच्चों प्लांट के मूवमेंट्स को अपन डिस्कस करेंगे, देखिए इसमें भी जो मूवमेंट हो रहा है आप उसमें देखिए ग्रोथ हो रही है, अगर आप नोटिस करोगे एक ग्रोथ हो रही है, देखिए पत्तियां खुल रही है और नई पत्तियां बाहर निकल रही हैं, हो रही है ग्रोथ। तो मैंने आपको बताया प्लांट में जो मूवमेंट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ग्रोथ बेस्ड होता है, मूवमेंट जो होता है प्यारे बच्चों वो ग्रोथ बेस्ड होता है और वो स्लो मूवमेंट होता है, इट्स अ स्लो मूवमेंट। जो भी प्लांट में मूवमेंट्स आते हैं जो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस करते हैं बच्चों, वो होता है फाइटो हार्मोन्स की मदद से या फिर प्लांट हार्मोन्स की मदद से, क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता इसलिए क्विकली रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। कुछ मैंने आपको एक इमेज दिखा जिसमें चिंटू ने ऐसे टच किया था और पत्तियां सारी ऐसे मुरझा से गई थी, वो स्पेशल केसेस होते हैं, उसमें भी ग्रोथ नहीं होती है, वो क्विक रेस्पॉन्स आता है और वो ग्रोथ बेस्ड रेस्पॉन्स नहीं होता, ऐसे बहुत कम होते हैं। आमतौर पर जो देखने को मिलता है देखने को मिलता है ग्रोथ बेस्ड रेस्पॉन्स जो कि आमतौर पर स्लो होते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अब डिस्कस करेंगे अपन ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट। बच्चों अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ ये पूरी की पूरी समझने वाली है, तो इसमें आप अपना जरा सा भी ध्यान इधर या उधर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस और इस वीडियो के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर, क्योंकि पहले वाली जो चीज़ें थी वो भी इंपॉर्टेंट थी लेकिन ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करती है। तो फन को भूल जाइए, मस्ती मजाक को भूल जाइए और पूरा फोकस यहाँ पर कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, फिर डायरेक्ट डेफिनेशन भी वो पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं बच्चों, अ ग्रोथ मूवमेंट, तो पहला वर्ड क्या हुआ, ग्रोथ मूवमेंट, इसको हाईलाइट कर दीजिए, ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस,
इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स। समझाता मैं क्या हुआ भाई। पहली बात तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं उन्हें ट्रॉपिज्म भी बोला जाता है। अब ये ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट है। कैसे हैं? ग्रोथ बेस्ड यानी स्लो होंगे, ये बात तो समझ में आ गई। इसमें क्या होता है बच्चों, तो स्ट्यूमुलस का डायरेक्शन होता है भाई, मैंने इस तरफ से स्ट्यूमुलस दिया, मैंने इस डायरेक्शन में जो है उसको मारा, तो वो जो डायरेक्शन होगा मारने का वही रेस्पॉन्स का डायरेक्शन भी तय करेगा, वही रेस्पॉन्स का डायरेक्शन भी तय करेगा। देखिए जिस जगह सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, पेड़ भी उसी जगह ग्रो करता है, उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो इसमें स्ट्यूमुलस क्या हुआ, सूर्य की किरणें, जब सूर्य, अब देखिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए इस डायरेक्शन से एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। अब रोशनी इस साइड से आ रही है, तो रोशनी का जो डायरेक्शन है बच्चों ये हुआ, और देखिए ग्रोथ किस साइड हो रही है, इसकी साइड हो रही है। ये देखिए आप, इस साइड जो रोशनी आ रही है ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्यूमुलस का डायरेक्शन है बच्चों, वो इसके मूवमेंट जो हो रहा है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है उसको डिटरमाइन कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, इसी को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। पहली बात तो देखिए ग्रोथ हो रही है, देखो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहे, देख दिख रहा है क्लियरली आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्रॉपिज्म क्या होता है, ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट होता है जिसमें स्ट्यूमुलस का डायरेक्शन, यहाँ पे स्ट्यूमुलस क्या है बच्चों, लाइट। स्ट्यूमुलस का जो डायरेक्शन होता है वो उसके रेस्पॉन्स के डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। अब देखिए ग्रोथ भी इसी के साथ करना, ऑपोजिट भी तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रेस्पॉन्स इस साइड से आ रहा है तो फिर स्टिमुलस इस साइड से आ रहा है तो रेस्पॉन्स भी इसी साइड देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अपन पीछे चलते हैं, वापिस से ध्यान से सुनिए, ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। ये ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट होते हैं प्लांट पार्ट के, जिसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस होता है, यानी जिस जगह से उंगली करोगे उसी जगह पे वो लप्पड़ मारेगा। देखिए बहुत सिंपल, जहां पे उंगली करोगे उसी जगह आके थप्पड़ मार देगा भाई। यहाँ पे उंगली करी वहीं पे थप्पड़ पड़ेगी, कान में उंगली करी वापस थप्पड़ पड़ेगी। जिस डायरेक्शन में आप उंगली कर रहे हो ना उसी डायरेक्शन में वो आपको पलट के वार करेगा। अपन भी ऐसे करते हैं भाई, ज्यादा छेड़ा करेगा अपन भी, मतलब बिल्कुल एक की दो बजा देते हैं, तो वैसे ही होता है ट्रॉपिक मूवमेंट भाई। इस साइड से लाइट आ रही है, इस साइड से उंगली करा जा रहा है, इसी साइड से वो रेस्पॉन्स करेगा। तो यानी बच्चों ट्रॉपिज्म क्या होता है, ट्रॉपिज्म एक ग्रोथ मूवमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस का जो डायरेक्शन होता है वो डिटरमाइन करता है कि स्टिमुलस का डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे होगा। और ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट तो स्लो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन जनरल मूवमेंट ऑफ द प्लांट आर यूजुअली कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ। अच्छा इस चीज को समझना बच्चों, अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू रीजन। ये बच्चों विराट कोहली है, इसको आप चाहो तो वी के लिख दो। ठीक है अब मैं समझाता हूँ पूरी पिक्चर क्या है बच्चों। आमतौर पे प्लांट में जो मूवमेंट देखने को मिलता है, देखिए मूवमेंट मूवमेंट बोला मैं, लोकोमोशन नहीं बोलूंगा, प्लांट लोकोमोशन नहीं करते हैं। कभी आपने देखा प्लांट जो है वो रग्बी खेल रहे हैं अपन टीवी में देख रहे हैं, कभी देखा प्लांट जो है वो फाइटिंग कर रहे हैं, प्लांट जो बिग बॉस के अंदर प्लांट आ गया और प्लांट बिग बॉस बोला बिग बॉस में आपका स्वागत है मेरे हरे नीम के पौधे, ऐसे सुना है क्या कभी किसी ने? तो प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते हैं, प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, और प्लांट्स बिग बॉस में नहीं जाते हैं। तो प्लांट्स करते क्या बच्चों, मूवमेंट शो करते हैं, वो मूवमेंट आमतौर पे ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट होते हैं और स्लो होते हैं। तो जनरली जो प्लांट में जो मूवमेंट आता है बच्चों वो आता है अनइक्वल ग्रोथ की वजह से। अब देखिए इसको इसको इस पैन को देखिए आप, पैन है ये ना, तो ये पैन है। अब इस एरिया में ग्रोथ ज्यादा हो रही है, इस एरिया में ग्रोथ कम हो रही है भाई, अनइक्वल ग्रोथ हुई। इस राइट हैंड साइड में, इस हैंड वाली साइड में ग्रोथ ज्यादा हो रही है, और इस साइड में देखिए एक तो ये है और एक ये है, तो मेरे हैंड वाली साइड में यानी कि इस साइड में ग्रोथ ज्यादा हो रही है, और ये जो रिमोट है इस साइड में ग्रोथ कम हो रही है। तो जब यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगी तो ऐसे बैंड खा जाएगा। आप देखना कभी भी आप एक साइड में ग्रोथ नहीं होगी दूसरी साइड में ग्रोथ होगी तो ऐसे बैंड खा जाएगा। तो ये बैंड ही क्या है, मूवमेंट है इसका प्लांट का। तो अनइक्वल ग्रोथ जो होती है प्लांट के रीजन्स में, प्लांट पार्ट के रीजन्स में, वही मूवमेंट जो है प्यारे बच्चों लेके आते हैं। इसको स्टेम मानो, पर स्टेम में इस साइड ग्रोथ ज्यादा हो रही तो यहाँ से स्टेम बढ़ने की कोशिश करेगी,
लेकिन यहाँ से जो है ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसी की जगह ऐसे बैंड खा जाएगी। तो ये भी क्या मूवमेंट हुआ, कैसा हुआ, ग्रोथ बेस्ड हुआ। ग्रोथ कैसी, अनइक्वल। तो अनइक्वल ग्रोथ की ही वजह से बच्चों प्लांट में जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। ट्रॉपिज्म बच्चों देखिए, आप इधर दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अगर आप स्ट्यूमुलस की ओर, तेरी ओर तेरी ओर, है ना, तो अगर आप स्ट्यूमुलस की ओर ग्रो करेंगे प्यारे बच्चे तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और स्ट्यूमुलस के अगेंस्ट, ओ हट जा, समझ रहे हो, अगर आप स्ट्यूमुलस की ओर ग्रो करोगे तो बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और स्ट्यूमुलस के विरुद्ध के ऑपोजिट ग्रो करोगे उसको बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। जो प्लांट की स्टेम होती है वो स्ट्यूमुलस सनलाइट की तरफ ग्रो करती है तो वो शो करेगी पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और प्लांट की जो रूट्स होती है वो सनलाइट के ऑपोजिट ग्रो करती है नीचे की साइड तो वो शो करेगी नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो आगे बच्चों उसको डिटेल में अपन समझते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। तो बच्चों टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म स्ट्यूमुलस बताया जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। तो जो फोटोट्रॉपिज्म है, नहीं गाना मत सोचिए, हर बार मैं गाना नहीं गाने वाला, तो खींच मेरी फोटो, बच्चे सोचे अब सर गाना गाएंगे तो खींच मेरी फोटो, नहीं ऐसा नहीं होगा हमेशा, ठीक है सीरियस हो जाइए। स्ट्यूमुलस क्या होता है बच्चों, लाइट होती है। जियोट्रॉपिज्म, जियो से नेचुरल ज्योग्राफिक अर्थ, ग्रेविटी, स्ट्यूमुलस क्या हुआ, ग्रेविटी। कीमोट्रॉपिज्म, कीमो से पता पड़ रहा है यहाँ पे स्ट्यूमुलस क्या हुआ, केमिकल। हाइड्रो, हे हाइड्रा, हेल हाइड्रा, देखिए कैप्टन अमेरिका उसमें हाइड्रा होता है, हाइड्रा विलन होता है, ऐसे रेड कलर का सा फेस होता है, कैप्टन अमेरिका की फाइट होती है, आपने देखा होगा जरूर। तो उसमें क्या था, वाटर होता है। और थिग्मोट्रॉपिज्म में टच, ठेंगा, थिग्मो, ठेंगा दिखा दिया थिग्मो, तो थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या हुआ बच्चों, टच का जो स्टिमुलस यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो खींचते फ्लैश की लाइट आती है, स्टिमुलस क्या हो गया, लाइट। जियोट्रॉपिज्म, जी से जियोट्रॉपिज्म, जी से ग्रेविटी, सी से कीमोट्रॉपिज्म, सी से केमिकल, हाइड्रो से हाइड्रा, सबको पता वाटर यहाँ पे बात है, थिग्मो ठेंगा, बाबा जी का ठेंगा, तो थिग्मोट्रॉपिज्म यानी टच। तो ये टेबल बच्चों अगर आपको याद हो तो आपको इसकी डेफिनेशन बताने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। तो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं फोटोट्रॉपिज्म में जो बच्चों स्ट्यूमुलस होता है वो होता है लाइट का। तो जो स्ट्यूमुलस होता है प्यारे बच्चों वो होता है यहाँ पर लाइट का। तो अब इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे भाई, जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्यूमुलस है वो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करता है, अपन समझ चुके हैं, और ये सारे ट्रॉपिज्म में ही होगा। अब बेसिक समझेंगे बच्चों होता क्या है भाई, अपन देखें जो ये जो पेड़ है, ये जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे, उनकी जो स्टेम है देखिए उनकी ग्रोथ लाइट की तरफ हो रही है। जब स्ट्यूमुलस की तरफ ग्रोथ होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। तो जो स्टेम है बच्चों यहाँ पे वो शो कर रही है पॉजिटिव फोटो ट्रॉपिज्म, और जो रूट होती हैं वो नीचे की साइड ग्रो कर रही हैं, अज्यूम कर लो, देखना अज्यूम कर लो, वो जो शो करेंगे नेगेटिव फोटो ट्रॉपिज्म, क्योंकि जो स्टेम है वो सनलाइट, इधर लाइट की तरफ ग्रो करे तो पॉजिटिव, रूट्स अगेंस्ट द लाइट नीचे की साइड तो शो करेंगे नेगेटिव फोटो ट्रॉपिज्म। तो ये बात तो बच्चों समझ में आ गई भी, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, सर होता कैसे ये तो बता दो सर, हमें समझ में आ रही, क्रैश कोर्स चल रहा है, हम थोड़ा ना भगाते जाओगे, नहीं भगाएंगे। चिंटू बेटा कान में बता, चिंटू ने जो मुझे कान में बताया बिल्कुल सही बताया बच्चों। जो ऑक्सीजन होता है बच्चों इसके लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो इधर का विराट कोहली छे, ऑक्सीजन जो छे फोटोट्रॉपिज्म का विराट कोहली छे। अब ऑक्सीजन क्या करता है, शेडी एरिया में रहना पसंद करता है, शेडी यानी अंधेरे एरिया में रहना पसंद करता है भाई। अब ये पेन है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ इधर की तरफ से लाइट आ रही, तो यहाँ पर रोशनी छा गई, ऑक्सीजन क्या है थोड़ा शर्मीला है, इस शेडी एरिया में इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन क्या है शर्मीला है, कैसा है बच्चों, ऑक्सीजन है शर्मीला, तो लिख सकते हैं आप ऑक्सीजन क्या है शर्मीला। तो यहाँ से लाइट आ रही, यहाँ पे रोशनी पड़ी तो शर्मीला है, शर्म लगी, तो ऑक्सीजन अंधेरी साइड में शेडी एरिया में इकट्ठा हो गया। अब ऑक्सीजन जहाँ जाता है वहां पर ग्रोथ कराता है, तो प्लांट का जो ये वाला हिस्सा वो ऑक्सीजन की वजह से ग्रो करेगा, और ये वाला हिस्सा ग्रो नहीं कर पाएगा, तो ऐसे बैंड खा जाएगी, बैंड की साइड खा रही है लाइट की साइड। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो होता है
वो फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म में अपनी अहम भूमिका निभाता है मूवमेंट शो करने में। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्यारे बच्चों, जो प्लांट में मूवमेंट आते हैं वो ग्रोथ बेस्ड होते हैं, और ये कौन करवाता है? फाइटो हार्मोन्स करवाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फाइटो हार्मोन्स अपनी अहम भूमिका निभा रहा है? ऑक्सिन। ऑक्सिन की एक की प्रॉपर्टी क्या है? वो शेडी एरिया में जमा हो जाता है। मैं लिख देता हूँ इधर, ध्यान से सुनना। ऑक्सिन जो इकट्ठा होता है वो होता है शेडी एरिया में। आपका शायद एक इंग्लिश में चैप्टर भी है शेडी प्लॉट। शेडी एरिया में इकट्ठा होता है तो अनइक्वल ग्रोथ की वजह से जो होती है प्लांट बेंड खा जाते हैं। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, जियोट्रॉपिज्म। जियो से जियो सेमी याद आती है बच्चों। आज से कुछ साल पहले फ्री का इंटरनेट दिया था, तभी से रेवोल्यूशन हुआ और हम सब लोगों के पास इतना। मैं आपको बता दूं, जो आप बैठ के मोबाइल में जो वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, ये सब अंबानी जी की कृपा है। तो एक बार लगा दो जय अंबानी जी, जय मुकेश अंबानी, जय रिलायंस जियो। अगर वो नहीं होते तो आज इंटरनेट की रेट्स इतनी कम नहीं होती बच्चों, और 4G का जो इतना आप इतना जो इतना रेवोल्यूशन लेके आए हैं वो मुकेश अंबानी जी ही लेके आए हैं प्यारे बच्चों। तो आज उन्हीं की बदौलत जो रेट्स हैं टैरिफ है इंटरनेट की, उतनी सस्ती हुआ करती हैं। आज से जब मैं कॉलेज में था ना बच्चों, तब 100-100 रुपये का 2GB डेटा, 200 रुपये का 3GB 3G डेटा ऐसे आया करता था, इतनी हाई पे रेट्स हुआ करती थी। और आज देखिए आप 500-600 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज, जिसमें 2GB 3GB पर डे अपन को मिलता है, वो भी फास्ट इंटरनेट। ठीक है, हाँ नेटवर्क डिपेंड करता है, कईयों के आते लेकिन इंटरनेट बढ़िया आता है बच्चों, आप सब वैल्यू वो करेंगे, अग्री करेंगे। तो ये सब तो जियोट्रॉपिज्म से एक बार अंबानी की जय लगा दो। जय अंबानी जी, जय रिलायंस जियो। चिंटू ने कान में आके बोला सर मैं भी जय बोलूंगा। तो इसी बात पे बच्चों जियोट्रॉपिज्म को बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिज्म, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का रोल होता है। अब देखिए समझिए, बहुत सिंपल है। जब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो अब जो रूट्स हैं वो रूट्स ग्रो कर रही हैं नीचे की तरफ। जो रूट्स है बच्चों, रूट्स ग्रो कर रही हैं नीचे की तरफ। नीचे क्या है? ग्रेविटी। में लिख दूं यहां पे, तो रूट्स जो ग्रो कर रही हैं वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही हैं। तो रूट्स क्या शो करेंगी? पॉजिटिव जियो ट्रॉपिज्म। रूट्स विल शो पॉजिटिव जियो ट्रॉपिज्म, लेकिन रूट्स वहीं पे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी शो करती हैं। रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी शो करती हैं। अरे बच्चों बात आपको समझ में? तो क्योंकि रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही हैं, तो रूट शो करेंगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो स्टेम है वो ग्रेविटी के विरुद्ध अगेंस्ट ग्रो करे वो शो करेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये भी पूरा खेल किस वजह से होता है? ऑक्सिन की वजह से ही होता है। मैं आपको बात दूं बच्चों, जो ऑक्सिन होता है वो रूट में अलग काम करता है, शूट में अलग काम करता है। रूट में ग्रोथ को बढ़ाएगा, सॉरी शूट में ग्रोथ को बढ़ाएगा तो रूट में ग्रोथ को कम करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये काम होता है ऑक्सिन का। स्टेम में तो ग्रोथ करेगा और रूट में ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, कम करेगा, स्लो करेगा। तो रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। रूट्स आर ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, सो दैट इज नोन एज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एंड स्टेम इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आई होप ये मैं आपका जो डाउट है ये पॉइंट इसको क्लियर करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमोट्रॉपिज्म बच्चों, ये आमतौर पे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप इसको समझना बहुत जरूरी है, फोकस पूरा आपका यही होना चाहिए। तो एक बार मैं कीमोट्रॉपिज्म को वी के टॉपिक घोषित कर रहा हूँ बच्चों। तो चिंटू बेटा लिख दे यहाँ पे वी के टॉपिक, विराट कोहली टॉपिक की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। जहां पर वीजे सर ने वी के लिख दिया तो समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। चलिए आप इसे ब्लू पेन पे आ जाते हैं। ये क्या है बच्चों? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसको बोलते हैं अपन स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। ठीक है, ऊपर वाला स्टिग्मा, तो बेसिकली अपन इसका पूरा नाम ही लिख देते हैं, इसको बोलते हैं अपन कार्पल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कार्पल भी बोलते हैं, इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, और इसको गायनोशियम भी बोला जाता है। तो जो भी नाम आपको कंफर्टेबल है लर्न करने के लिए, तो मेरे हिसाब से बच्चों को तो पिस्टिल लर्न रहता है, पिस्तौल से पिस्टिल, ठाए ठाए, तो बच्चे पिस्टिल याद रखते हैं। और छोटी क्लास में कार्पल पढ़ा है तो कार्पल याद है, गायनोशियम नहीं, मुझे भी याद नहीं रहता, छोड़ो गायनोशियम को हटाओ, जिसको पिस्टिल याद है और पिस्टिल से कार्पल याद है, कार्पल। तो कार्पल का डायग्राम गिवन है बच्चों, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कार्पल।
मैंने कहा ना छोटी क्लास में कार्पल ही पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी कार्पल ही लिखा हुआ है। तो अब बच्चों ये तीन पार्ट होते हैं, अपर वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे जो गर्दन है इसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे जो स्वॉलन पार्ट है इसको बोलते हैं ओवेरी। क्लियर है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों। तो एक पॉलिनेशन में अपन को पता है क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर से उठ के फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आके गिरता है। कौन से पार्ट पे गिरता है? स्टिग्मा पे। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन आके गिर गया। अब पॉलन ग्रेन क्या करता है, एक पॉलन ट्यूब को ग्रो कराता है। ये पॉलन ट्यूब किस डायरेक्शन में ग्रो करेगी? ये जो स्टिग्मा होता है प्यारे बच्चों, ये एक शुगरी लिक्विड सीक्रेट करता है। ये एक शुगरी लिक्विड सीक्रेट करता है। देखिए शुगरी लिक्विड जो है ऐसे नीचे की साइड होता है, तो ये जो पॉलन ट्यूब होती है वो भी शुगरी लिक्विड के साथ साथ ग्रो करती है और ऐसे करके ओव्यूल के अंदर चली जाती है और फर्टिलाइजेशन को कॉज करती है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पॉलन ट्यूब है जो कि पॉलन ग्रेन से निकल के ग्रो कर रही है, वो किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है? वो ग्रो कर रही है इस शुगरी लिक्विड के डायरेक्शन में और ऐसे ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन कर रही है। तो इट मीन्स दिस पॉलन ट्यूब इज ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ शुगरी लिक्विड, सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। एक ही एग्जाम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी यही एग्जाम्पल गिवन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अभी आप यही एग्जाम्पल लेंगे कीमोट्रॉपिज्म का, जो पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन गिरता है उसमें से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, किस डायरेक्शन में जाती है? शुगरी लिक्विड के डायरेक्शन में जाती है और नीचे नीचे जाके ऐसे ओव्यूल के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन कर देती है। सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो आती दिमाग में आता है, हे हाइड्रा, हे हाइड्रा, जो कैप्टन अमेरिका में था ना यार, मजा आ गया था बच्चों मूवी देख के। और मेन अब जो अपन देखते हैं बच्चों उसके अंदर भी जो मेन हीरो एवेंजर के अंदर मतलब सब लोगों का पसंदीदा जो है वो एक तो आयरन मैन है, कईयों का थॉर, मेरे को तो कैप्टन अमेरिका अच्छा लगता है। और मैं बात बता दूं आपको, सब में स्मार्ट भी कैप्टन अमेरिका लगता है, आप भी इस बात को नकार नहीं सकते। तो जैसे हाइड्रोट्रॉपिज्म आता ना, हे हाइड्रा करके कैप्टन अमेरिका आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप समझ ही गए होंगे, समझने की जरूरत भी नहीं है, जिस शब्द का नाम आ रहा है उसी के डायरेक्शन में ग्रो करवा दो। अब बच्चों प्लांट है, ये तो हो गया आपका शूट सिस्टम, आपका मतलब प्लांट का, ठीक है, दैट इज शूट सिस्टम। एंड बिलो द ग्राउंड सरफेस दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था बच्चों जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करती है, दैट वी कॉल इट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पर मैंने क्या करा भाई, पेड़ को लगा दिया ट्रांसपेरेंट ग्लास जार के, एक्वेरियम को खाली कर दो, मछलियों को थोड़े दिनों के लिए आप छुट्टी पे भेज दो। मछलियाँ छुट्टी पे गई, एक्वेरियम में ऐसी मिट्टी भर दी और ऐसे पेड़ को जमाओ आगे आगे कोने में की जड़ें दिखती रहें। अब इसमें पानी मत दो, आप मिट्टी में पानी मत डालो, यहाँ पे गमला डालो जो कि पोरस होना चाहिए, ये गमला होना चाहिए पोरस, लिख दो पोरस। पोरस एक टीवी सीरियल भी आता था, बंद हो गया, ठीक है। आमतौर पे जो मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं वो सारे पोरस होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इस पोर्स में से क्या होगा, पानी धीरे धीरे बाहर निकलेगा और यहाँ की मिट्टी गीली रहेगी। तो आप कुछ दिनों बाद ऑब्जर्व करोगे रूट्स जो है वो नीचे जाने की बजाय इस वाटर सोर्स की तरफ ग्रो कर रही हैं, और कई बार तो मिट्टी से निकल के ऊपर भी आ जाती है पानी पाने के लिए, मिट्टी से निकल के ऊपर भी आ जाती है पानी, आपने सही सुना, पानी पाने के लिए। तो इट मीन जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है वो मजबूत है किससे, जियोट्रॉपिज्म से। अगर आप जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म की लड़ाई करवाओगे तो किसकी जीत होगी, हाइड्रोट्रॉपिज्म की जीत यहाँ पर होगी। इसलिए रूट्स नीचे न जाने की जगह ग्रेविटी की डायरेक्शन में न जाने की वजह पानी के सोर्स की तरफ मुड़ गई। तो जब भी जो मूवमेंट होता है, ग्रोथ होती है, वो वाटर की तरफ होती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ पर नेगेटिव का सवाल उठता ही नहीं, रूट तो वाटर की तरफ ही यहाँ पर जाएगी। तो बच्चों ये सारे थे आपके ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये जो लास्ट ट्रॉपिक मूवमेंट है थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो का मतलब होता है टच, थिग्मो का मतलब होता है टच। अब बच्चों इस बात को समझना, देखो जब मैं स्कूल में था ना बच्चों, मेरी पढ़ाई कोटा से हुई है, स्कूलिंग मेरी कोटा से हुई है, बाकी जो हायर एजुकेशन है वो सब मैंने कोटा से बाहर करी है, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग लेक्स जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, गोल्डन मेमोरीज बच्चों, मैं बहुत मिस करता हूँ अपने स्कूल को, मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि वो जो बेंच जो मैं देखा करता था वो खाली रहती हैं, ठीक है। जहाँ वो कहते हैं स्कूल की जो आखिरी घंटी थी वो एक ऐसी घंटी थी जिसके बाद मुझे कई चेहरे गायब हो गए,
स्कूल की जो आखिरी घंटी होती है ना बच्चों, आखिरी दिन की आखिरी घंटी, उसके बाद कई चेहरे आपको देखने को नहीं मिलते। तो हमारे टाइम में जैसे आप लोगों के पास स्मार्टफोन से, आप सब लोग व्हाट्सएप पे हो, आप लोग ग्रुप में जुड़े हो, फेसबुक पे इंस्टा पे आप लोग जुड़े हो, उस टाइम बच्चों हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो आज कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं भूल चुका हूँ। अब बच्चों स्कूल के बाद अपन छोटे ही होते हैं, तो स्कूल से जाने के बाद क्या होता है बच्चों, अपन भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, चेहरे भूल जाते हैं। अब नाम ही याद नहीं तो फेसबुक पे भी कैसे ढूंढेंगे, इंस्टा पे भी कैसे ढूंढेंगे, नंबर नहीं है। तो बच्चों कुछ प्यारी सी जो गोल्डन मेमोरीज हैं वो दिल में रह गई हैं बच्चों। तो ये भी एक अपना एक एरा था, अपना एक समा था बच्चों, जिसको मैं मतलब ये जो मेमोरीज होते हैं ना बच्चों, ये भी बहुत स्वीट होती हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्कूल में आप जो भी मेमोरीज बना रहे हैं ना, उनको स्वीट बनाइए। कभी लड़ाई मत कीजिए, कभी किसी से द्वेष मत पालिए, प्यार से रहिए। और जो अपन को लगता है ना कि अपन जो फन कर रहे हैं, अपन को लगे यार मैं फन कर रहा हूँ, लेकिन फन नहीं कर रहे होते, आप एक गोल्डन मेमोरी को क्रिएट कर रहे होते हो अपने दिल में। तो बच्चे से तो पता नहीं कैसे मुझे स्कूल की याद आ गई प्यारे बच्चों। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमारे स्कूल में, जो बच्चों ऐसे बहुत सारे पेड़ थे, इन्हें क्लाइंबर्स बोला जाता है। क्लाइंबर्स वो पेड़ होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है। मैं लिख देता हूँ, जो क्लाइंबर्स होते हैं बच्चों, उनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है। तो इनकी वीक स्टेम होती है, तो ये क्या ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकालते हैं। इन स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों टेंड्रिल बोलते हैं। स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों टेंड्रिल बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, ऐसे अपराइट ग्रो करने के लिए। स्टेम वीक होती है तो ऐसे अपने आप से ऐसे अपराइट खड़े नहीं हो सकते, सीधे खड़े नहीं हो सकते, इरेक्ट नहीं हो सकते। तो इनको सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट किसकी मदद से आता है, टेंड्रिल की मदद से आता है। अच्छा एक चीज, टेंड्रिल में क्या होता है बच्चों, टेंड्रिल में भी ऑक्सिन का ही रोल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेंड्रिल में भी जो हीरो है वो है ऑक्सिन। अब बच्चों होता क्या है, अब टेंड्रिल जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आती है, ऑक्सिन उसके ऑपोजिट दिशा में आ जाता है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे ये चिपक रही है, अब इसका जो, इसको अगर मैं बात करूँ इसकी, तो उसका जो इनर सरफेस है वो इस बैम्बू की डंडी से चिपक रहा है। बैम्बू की डंडी में जो लोहे की डंडी दिख रही है आयरन की, एक आयरन रॉड है। तो जो टेंड्रिल है देखिए, ये इस आयरन रॉड के कॉन्टेक्ट में है। तो जो एरिया कॉन्टेक्ट में होता है ना, मैंने आपको बताया ऑक्सिन क्या है। यार भूलते क्यों, ऑक्सीजन है शर्मीला, ज्यादा रोशनी से टच से शर्माता है। तो जहां पर टच हो रहा है ना, दूर होके ऑपोजिट साइड आ जाएगा और ग्रो कराएगा। अब अंदर के साइड टच हो तो मत दूर होके ऑपोजिट, इधर से टच हो रहा है तो ऑपोजिट साइड में आ जाएगा, यहाँ की ग्रोथ कराएगा। यहाँ से ग्रोथ हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा, तो ऐसे बेंड खा जाएगी। तो ऐसे बेंड खा खा के पूरे गोल होके पूरे इसको कवर कर लेगी, और प्लांट को ऐसे अपराइट खड़ा होने में, इलोंगेट होने में मदद ये करती है प्यारे बच्चों। तो इसको बोलते हैं अपन बच्चे स्टेम टेंड्रिल। जैसे जो आपकी लौकी होती है, ठीक है, करेला होता है, उनमें स्टेम टेंड्रिल देखने को मिलते हैं। और जो आपका मटर है उसमें लीफ टेंड्रिल देखने को मिलता है। आ रही बात, टेंड्रिल क्या होते हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या बोलो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जो जो वीक प्लांट्स होते हैं, जिनकी स्टेम वीक होती है, उनको ऐसे इरेक्ट खड़ा होने में मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। कौन हीरो है, ऑक्सिन हीरो है। ऑक्सिन क्या है, शर्मीला है, रोशनी से दूर भागता है, टच से दूर भागता है। तो जब दूर भागेगा तो जिस एरिया में जाएगा वहाँ पे ग्रोथ कराएगा, और जिस एरिया में नहीं, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, अनइक्वल ग्रोथ, बैंड खा जाएगा, और वहीं पे इसका ग्रोथ मूवमेंट शो हो जाएगा। तो बच्चों इसी बात पे अपन आगे बढ़ते हैं, नेस्टिक मूवमेंट या फिर नेस्टीज। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना बच्चों, नेस्टीज या नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जैसा ट्रॉपिज्म समझा वैसा ही है, लेकिन ट्विस्ट है इसके अंदर। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, इन विच से आप चालू हो जाइए, इन विच द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब कहीं से भी उंगली करो, इसको जहां जाना है वहीं जाएगा, आप इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये क्या है, ये एक मस्त हाथी है। क्या है, ये एक मस्त हाथी है। कहते हैं ना कि हाथी के ऊपर कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी को फर्क नहीं पड़ता, हाथी अपनी मस्ती में चलता है। तो वो यही है, मतलब किसी भी डायरेक्शन से आप स्टिमुलस दो, ये रेस्पॉन्स इसको जिस एरिया में करना है वहीं करेगा। ऊपर से दो, नीचे से दो, आगे से दो, बाएं से दो, किसी भी डायरेक्शन स्टिमुलस दे दो, अगर इसको जिस एरिया में मूवमेंट करना है वहीं करेगा, इररेलेवेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मस्त हाथी है, ऊपर से टच करो, नीचे से करो, किसी भी डायरेक्शन से आप स्टिमुलस दो,
इसको जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में जाके रहेगा, मस्त हाथी है ये। तो नेस्टीज या नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड। राइट से मैं कर देता हूं यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो रहा था कि जो स्टिमुलस का जो डायरेक्शन है वो ग्रोथ के डायरेक्शन को या फिर रेस्पॉन्स के डायरेक्शन को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन इसमें स्टिमुलस का डायरेक्शन ग्रोथ या फिर रेस्पॉन्स के डायरेक्शन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को बच्चों नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं या फिर नेस्टीज भी बोला जाता है। आगे थिग्मोनास्टी एक ही एग्जाम्पल अपने काम का है, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए। थिग्मोनास्टी वही छुई मुई उठा लिया अपन ने। चिंटू बेटा छुई मुई का क्या नाम है? चिंटू ने बोला सर मिमोसा प्यूडिका। चिंटू बेटा एक और नाम बता? चिंटू बोला सर टच मी नॉट। ठीक है चिंटू बेटा एक काम कर, एक नाम और बता दे मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा। तो चिंटू ने बोला सर लाजवंती। तो बिल्कुल सही बोला चिंटू ने। तो इस प्लांट के तीन नाम होते हैं, इसको इन तीन नामों से जाना जाता है बच्चों। तो चलिए विजय सर का फेवरेट ब्लू कलर अपन लेके आते हैं। सिंपल सी बात है, सीधा बात, नो बकवास। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ही बोल दिया सीधा। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच इज नोन एज थिग्मोनास्टी। भाई अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर एक मैंने इमेज ली थी, देखिए अपन अगर थोड़ा रिवर्स जाते हैं बच्चों, स्टार्टिंग में अब ये पत्तियां क्लोज हो रही। चिंटू बेटा जल्दी से उंगली लगा। हाँ चिंटू ने उंगली लगाई। अब बोले आप उंगली यहाँ से लगाओ, या देखो मैंने यहाँ से लगाओ, मैं यहाँ से लगा दूँ, कहीं से भी लगा दूँ मैं, देखिए एक के डायरेक्शन में बंद हो रहे नीचे की साइड, यहाँ से लगा दो, यहाँ कहीं से भी टच कर दो आप, ऊपर से नीचे से दाएं से किधर से भी टच कर दो, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो यानी जो मैं स्टिमुलस का मैंने यहाँ से टच करा, यहाँ से करा, कहीं से भी करो आप, ये सिर्फ एक ही साइड में फोल्ड होगा। यानी स्टिमुलस का जो डायरेक्शन है वो इसके मूवमेंट के डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं थिग्मो नेस्टी। तो चलिए बच्चों अपन अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं आगे। तो इसी को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट बच्चों। तो आमतौर पे जो नेस्टिक मूवमेंट होता है बच्चों, जैसे मैं आपको बता दूं, ये क्विक मूवमेंट होता है, उसमें कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है और आमतौर पे फ्लैट पार्ट्स में देखने को मिलता है, फ्लैट प्लांट पार्ट्स में देखने को मिलता है। फ्लैट पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, जैसे लीफ वगैरह हो गए, जैसे लीफ देख रहे हो आप छोटी छोटी, ये फ्लैट पार्ट है तो इसमें देखने को मिलता है। जैसे देखो चिंटू ने तो ऊपर से टच किया था, इससे नीचे से टच किया तो भी हमेशा नीचे की तरफ ही लीव्स मुरझा रही हैं, बैंड हो रही हैं, बेसिकली मुरझाती नहीं, इसे बैंड हो जाती है वाटर लॉस होने की वजह से। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। फंक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, मैंने आपको बता दो प्लांट हॉर्मोन है विराट कोहली टॉपिक है। तो अब ये जितनी भी पूरी पिक्चर पढ़ी अपन ने वो सब प्लांट हॉर्मोन की ही पढ़ी है। जो भी प्लांट में बच्चे जो मूवमेंट होते हैं ना वो प्लांट हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट आपने देखे प्यारे बच्चे वो सब किसकी वजह से होते हैं? प्लांट हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल एजेंट्स, केमिकल मैसेंजर्स विच आर सीक्रेटेड फ्रॉम वन एरिया एंड दे प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट इन द टारगेट एरिया और अनदर एरिया। सरल भाषा में आपको समझाऊं, हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि किसी एक एरिया से निकलते हैं और दूसरे टारगेट जगह पर जाके डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि प्लांट के नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है तो रेस्पॉन्स बहुत ही स्लो देखने को मिलता है। तो अपने हॉर्मोन्स भी पढ़ लिए प्यारे बच्चों। देखो मैंने आपको बताया ग्रोथ प्रमोटर AGC, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ग्रोथ इनिबिटर इथाइलिन एफ्यूसिक एसिड, तो ये अपन ने पढ़ लिए थे। फंक्शन क्या होते हैं इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। जर्मिनेशन, ये भी वीक टॉपिक है, लिख दो विराट कोहली टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार मेजर क्वेश्चन आ जाता है हॉर्मोन्स के ऊपर तो आप इसमें फंक्शन भी लिख सकते हो। अच्छा बच्चों कई बार बच्चों कुछ बच्चों का डाउट रहता है सर अगर 5 नंबर का आया तो कैसे लिखूं? 5 नंबर का आया है तो 5 डिफरेंसेस लिखिए, 5 पॉइंट, जितने नंबर का आते कोशिश कीजिए उतने पॉइंट्स लिखिए, उससे क्या होगा नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। भाई मैंने पूछा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स, राइट द फंक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, लो यही क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। तो 3 नंबर का तो आप 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे। जब तक अगर मेंशन किया भाई 4-5 लिखो तो उतने लिखने, अगर मेंशन नहीं तो जितने नंबर का उतने पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हैं। नंबर आपको पूरे में से पूरा ही देगा टीचर, जो भी चेक कर रहा होगा अच्छे मूड में होगा, मूड खराब है तो बात अलग है, बाकी जो टीचर जेन्युइनली चेक करेगा ना तो जितने पॉइंट्स का मतलब जितने नंबर का जो क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स लोगे तो पूरे में से पूरे नंबर आपको वो देगा।
तो फंक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, पहला क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेट होने में प्लांट हॉर्मोन्स मदद करता है। दूसरा ग्रोथ ऑफ फ्रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। थर्ड है मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा एंड लीव्स, मूवमेंट का ये नहीं कि स्टोमेटा डांस कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा लीव्स का मतलब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यहाँ पे, ठीक है। मूवमेंट का मतलब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ना फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे फ्रूट्स का पक जाना, ठीक है, फ्रूट्स का पक जाना, ये होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट, जिनको अपन ने अभी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करा, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। फंक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स है जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जर्मिनेट का मतलब होता है स्प्राउटिंग होना। भाई रात को मम्मी चने भिगो के रखती है, सुबह को उनको मम्मी गीले कपड़े में डाल के टांग के उसमें जो पूछे निकल आती है उसको बोले जर्मिनेशन हो जाना। तो पूछे निकलेंगे उससे पेड़ निकलेगा, फिर पेड़ ग्रो होगा, समझ रहे हो बात। जर्मिनेट कौन करवाता है, प्लांट हॉर्मोन्स का एक अहम भूमिका होती है जर्मिनेट करवाने में। ग्रोथ ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स, प्लांट हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स। मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा एंड लीव्स, मूवमेंट का मतलब स्टोमेटा भाग रहा है, भागना नहीं है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की यहाँ पर बात हो रही है। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फूलों का आना, फलों का पकना, और ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो ये तो कुछ फंक्शंस हैं, और भी वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो फाइटो हॉर्मोन्स परफॉर्म करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि ये जो टॉपिक है बच्चों, ये आपको क्लियरली जो है वो समझ में आ जाए। और मेरी बच्चों से यही आशा है कि मेरे प्यारे बच्चों को भी टॉपिक जो होता है वो समझ में आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।